तो हम अगले अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं ट्रैक चेंजेस होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक चेंजेस क्या होता है, एमएस एक्सेल में ट्रैक चेंजेस होता क्या है। ट्रैक सबसे पहले जान लीजिए कि ट्रैक चेंजेस है क्या। ट्रैक चेंजेस का मतलब है कि रेलवे पटरी समझ लीजिए आप, ठीक है, हम ये वाला ट्रैक में जा रहे हैं, कोई मेरा पटरी बदल दिया, मेरा गाड़ी दूसरी तरफ चला गया, समझ रहे हैं ना दोस्तों, बस वही चीज़ है। तो ज़रा समझते हैं इसको शुरू से। हम सबसे पहले सीट टू पे क्लिक किए, यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया, नेम, सैलरी, हमेशा की तरह राजीव नाम होना चाहिए, राजीव, और हमारे शिष्य का नाम है प्रभात, प्रभात भी डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और शिष्य है हमारा गोलू, मोलू और भोलू, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सैलरी दे देते हैं, हम डाल दी 30,000, 20,000, 5,000, 6,000, 8,000, कुछ भी लिख दिया। उसके बाद हम डाल दी दोस्तों एड्रेस, रांची, मुंबई, दिल्ली, गोवा एंड रांची। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आपका जो डेटा होगा वो डेटा तो किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप पे कि डेटा कैसा होगा। तो यहाँ पे ट्रैक चेंजेस करता क्या है वो जरा हम समझेंगे। तो ट्रैक चेंजेस करता है कि मान के चलिए आपका कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है, ठीक है, और उस इम्पोर्टेंट डेटा को आप सेव भी कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन कोई अगर आपके डेटा में आके थोड़ा बहुत भी चेंजेस कर देता है तो आपको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। अगर कोई आपके डेटा में थोड़ा सा भी फेर बदल करता है, थोड़ा सा भी चेंजेस कर देता है तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रैक चेंजेस लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारा डेटा में हुआ छोटा से छोटा बदलाव भी हमको पता चल जाएगा कि हमारे डेटा में बदलाव हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रैक चेंजेस। हमारा डेटा बन के तैयार है, डेटा चाहे जैसा भी हो कुछ भी है, डेटा बन के तैयार है। ट्रैक चेंजेस में आपको जाना है, हाईलाइट चेंजेस पे क्लिक करना है, यहाँ से ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग इस पर आपको टिक कर देना है और ओके कर देना है, हो गया। कह रहा है कि फाइल को सेव कर लीजिए, चलो कोई नहीं, आरजे के नाम से सेव कर लिए, राजीव का शॉर्ट फॉर्म आरजे, ये लो जी, हो गया। आपने इसमें ट्रैक चेंजेस लगा चुका दोस्तों, अब क्या होने वाला, अब तो आप गौस देखिए, हम राजीव का नाम को बदल के चुपके से कर दिए राज, ठीक है, गोलू को कर दिए मोलू, अब भोलू को कर दिए गोलू, ठीक है दोस्तों। और आगे आइए, आप देख सकते हैं इसको हम कर दिए 500, जो गोलू का सैलरी था भोलू का 500, 5,000 कर दिए। इस तरह से हमने एड्रेस में भी चेंजेस कर दिया, रांची की जगह गोवा कर दिया, गोवा की जगह रांची कर दिया। तो हमने इसमें जो भी चेंजेस करा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने जहाँ पर भी चेंजेस करा वहाँ पे एक ब्लू कलर से जो है वो हाईलाइट हो रहा है, वो सेल जो है ब्लू कलर से एक बॉक्स बना है और वो हाईलाइट हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है तो ज़रा देखिए आप, हम इस गोलू वाले सेल पे बस माउस को रखे हैं ऐसे, तो ये बता रहा है कि सेल जो है चेंज हो चुका है, इसका नाम पहले रांची था अब गोवा हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों आप, आपके सामने है। राज पे आप क्लिक कीजिए, ये बता रहा है कि इसका नाम राजीव था, सेल नंबर A2 में इसका नाम राजीव था, इसको कोई नाम को बदल के राज कर चुका है,
यहाँ पे देखिए, इस सेल में पहले गोलू लिखा हुआ था, कोई उसको बदल के मोलू कर दिया है। तो ये जो है ना ट्रैक चेंजेस हमको यही बताता है कि आपके जो डेटा है उस डेटा में क्या चेंजेस हुआ है। आपके डेटा में जो भी चेंजेस होगा आपके एब्सेंस में, वो ये आपको ट्रैक चेंजेस बता देगा कि ये चेंजेस हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये डिपेंड करता है कि जो चेंज हुआ है इस चेंजेस को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि रिजेक्ट करना चाहते हैं। हम तो इसको रिजेक्ट कर देना चाहेंगे क्योंकि हमारा ये डेटा को बर्बाद कर दिया है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देना चाहते हैं। तो रिजेक्ट करने के लिए हम चले जाएंगे ट्रैक चेंजेस पे। यहाँ नीचे में ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप ओके पे क्लिक करेंगे, आप ओके पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल और क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा डेटा पहले की तरह हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सारे को क्या करेंगे, रिजेक्ट ऑल कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा डेटा पहले की तरह हो चुका है, इसमें अब नया कोई भी चेंजेस नहीं है, हमारा डेटा पहले की तरह सिक्योर है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में आप जो नया सीखना चाहते हैं कुछ जो भी हो, ठीक है, आप हमें मैसेज करें। धन्यवाद दोस्तों।